नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जिस ट्रेन की जानकारी देने वाले हैं वह ट्रेन है ब्रह्मपुत्र मेल। इस ट्रेन की जानकारी देने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मेल का गाड़ी नंबर है 15657। यह ट्रेन पुरानी दिल्ली से कामाख्या के बीच रोजाना चलती है। पुरानी दिल्ली से कामाख्या की दूरी 2032 किलोमीटर है। इस दूरी को यह गाड़ी 37 घंटा 50 मिनट में पूरा करती है। इस गाड़ी का एवरेज स्पीड 54 किलोमीटर पर घंटा है और मैक्सिमम स्पीड 130 किलोमीटर पर घंटा है। यह गाड़ी पुरानी दिल्ली से चलकर कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, पटना जंक्शन, किउल जंक्शन, भागलपुर, मालदा टाउन, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू अलीपुर द्वार, न्यू बोगाई गाँव होते हुए कामाख्या को जाती है। इस गाड़ी का टिकट किराया, जो कि पुरानी दिल्ली से कामाख्या तक का है, सेकेंड एसी 2950 रुपया, थर्ड एसी 2025 रुपया, स्लीपर क्लास 765 रुपया, सेकेंड सीटिंग 475 रुपया। इस गाड़ी के दूसरे स्टेशनों का टिकट किराया जानने के लिए रेलवे के वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मेल अपने समय अनुसार पुरानी दिल्ली से 11:40 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ती है। इसके बाद यह गाड़ी अलीगढ़ जंक्शन को रात को 1:25 पर पहुंचती है और 1:30 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 126 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी टुंडला जंक्शन को रात को 2:30 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 2:35 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 204 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी सिकोहाबाद जंक्शन को रात को 3:02 प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 3:02 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 241 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी कानपुर सेंट्रल को सुबह 5:20 पर पहुंचती है और 5:25 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 435 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी प्रयागराज जंक्शन को सुबह 7:50 पर 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 8:00 वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 630 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी मिर्जापुर स्टेशन को सुबह 9:00 पहुंचती है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर और 9:05 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को 11:05 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 11:15 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 782 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी दिलदार नगर जंक्शन को दिन में 11:98 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 12:00 वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 840 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बक्सर स्टेशन को दोपहर 12:22 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 12:24 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 876 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी आरा जंक्शन को दोपहर 1:02 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 1:04 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 945 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी पटना जंक्शन को दोपहर 2:20 पर पहुंचती है और 2:30 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 994 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी पटना साहेब स्टेशन को दोपहर 2:48 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 2:53 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1004 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी मोकामा जंक्शन को दोपहर 3:50 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 3:52 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1083 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी किउल जंक्शन को शाम को 5:10 पर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 5:15 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1117 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी अभयपुर स्टेशन को शाम को 5:38 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 5:39 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1140 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी जमालपुर जंक्शन को शाम को 6:08 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 6:13 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी
1162 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी सुल्तानगंज स्टेशन को शाम को 6:42 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है और 6:43 पर वहां से खुल जाती है। यहां पर इसका एक मिनट का स्टॉपेज है। यहां तक यह गाड़ी 1191 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी भागलपुर स्टेशन को रात को 7:20 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 7:30 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1215 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी कहलगांव स्टेशन को रात को 8:01 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:02 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका एक मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1245 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी साहेबगंज जंक्शन को रात को 9:05 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 9:10 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1289 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बरहरवा जंक्शन को रात को 10:16 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 10:18 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1344 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी न्यू फरक्का जंक्शन को रात को 10:40 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 10:42 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1362 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी मालदा टाउन स्टेशन को रात को 12:05 पर पहुँचती है और 12:15 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1397 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी शामसी स्टेशन को रात को 12:43 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 12:45 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1431 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बरसोई जंक्शन को रात को 1:28 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 1:30 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1487 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी किशनगंज स्टेशन को रात को 2:15 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 2:20 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1544 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन को सुबह 4:10 पर पहुँचती है और 4:20 में वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1632 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी जलपाईगुड़ी रोड स्टेशन को सुबह 5 पहुँचती है और 5:02 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1665 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी धूपगुड़ी स्टेशन को सुबह 5:25 पर पहुँचती है और 5:30 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1697 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी फलकाटा स्टेशन को सुबह 5:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 5:57 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1719 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी न्यू कूच बिहार स्टेशन को सुबह 6:30 पर पहुँचती है और 6:35 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1757 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी न्यू अलीपुर द्वार स्टेशन को सुबह 7:10 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 7:15 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1776 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी गोसाईगांव जंक्शन को सुबह 7:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 7:57 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1822 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी फकीरा ग्राम जंक्शन को सुबह 8:10 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:12 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1845 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी कोकराझार स्टेशन को सुबह 8:28 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 8:30 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1855 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी न्यू बोगाईगांव स्टेशन को सुबह 9:40 पर पहुँचती है
और 9:50 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1883 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बोगाईगांव स्टेशन को सुबह 9:58 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 10 बजे वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1885 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बिजनी स्टेशन को सुबह 10:17 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 10:19 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1900 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी बरपेटा रोड स्टेशन को दिन में 10:55 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 11 बजे वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1927 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी नलवारी स्टेशन को दिन में 11:35 पर पहुँचती है और 11:37 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1975 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी रंगिया जंक्शन को दिन में 11:52 पर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुँचती है और 11:57 पर वहाँ से खुल जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ तक यह गाड़ी 1992 किलोमीटर अपना कवर कर चुकी रहती है। इसके बाद यह गाड़ी अपने अंतिम स्टेशन को 2032 किलोमीटर कवर करती हुए कामाख्या स्टेशन को दोपहर 1:30 पर पहुँचती है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र मेल की जानकारी यहीं समाप्त हुई। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।